नाज़रीन इस समय मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में। दादा दरबार में जो दो खुदकुश हमले हुए उसमें पहले ही खुदकुश हमले में शहीद हुए मोहम्मद आमिर, उनके इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और उनकी वालदा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा था आपका बेटा? बेटे के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा मेरा बेटा था, जहाँ जिस जगह तक कहना उन्हें उससे रुकना, जैसे जाना अब मेरी मर्जी तो बगैर नहीं थे जा रहे या हर तरह का, यानी कि कंप्रोमाइज ऐसे दोस्त तरह ऐसे दोनों, यानी कि माँ बेटा हर गल शेयर कर लें। घर वालों को कह रहे थे मैं दोबारा जाऊँ, दोबारा गया। मेरा कज़न साथ था उसके, तकरीबन कोई रात के 10 बजे गए हैं इधर से, उधर से गए हैं तो उन्होंने बताया कि हमें 12 बजे तलाब पहुँची थी, इधर से बम फट गया तो लो लापता में, मेरा भाई ना लापता में था, उसके कोई मालूम नहीं था। मेरा कज़न वो अभी ठीक था, जब उन्होंने पूछा थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया अपने कज़न को, तब वो मेरा कज़न ना रो रहा था, अपने आप से सांस ले रहा था। जो मैंने पूछा था कुछ लफ्ज़ बोल के बताओ क्या बात थी, उसने कहा था मेरा भाई लापता में था, तो वो कुछ का कुछ मालूम नहीं हो रहा थे, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच गए। अगर मैंने हमने इधर से इकट्ठे होकर साहब अभी गए थे तो मेरी आँखों के सामने पड़ा हुआ था। हमारे घर में सबसे ज़्यादा उसी के ज़रिए से रौनक होती है, हमारा घर बहुत बिल्कुल ही खाली हो चुका है। शहीद सिद्दीक भट्ट साहब की 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन इस वक्त जो है अवेलेबल नहीं है, घर पे नहीं है। एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, और भट्ट साहब की वालदा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो दहशतगर्द है उनका, उनकी जो भी सोच है मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जिम्मेदारी किसकी बनती है उनसे प्रोटेक्शन देना, हमारे इदारों की। लेकिन उसमें भी शायद हम लोगों का कसूर है कि हम उन लोगों को वोट दे के बिठा देते हैं ऊपर, कुछ चंद लोग हैं और हम आवाम हर दफ़ा कुछ होता है देख के चुप करके रो धो के बैठ जाते हैं। असद अली की वालदा और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। असद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा, बड़े जो है 3 भाई और एक बहन, सिर्फ उम्र 16.5 साल, ये वो उम्र नौजवानी की कि जो हंसने की, खेलने की, गुनगुनाने की उम्र होती है, वो के असद इस उम्र में भी काम करता था। और आप कैसे याद करती हैं अपने बेटे को? बहुत ज़्यादा दशहरा को मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। असद नहीं, असद है असद, कोई भी गल तो असद है, सारे सब कहते सर कहते तो हाँ जी जी मैं असद ही है, तेन कोई नज़र ही नहीं आता, मैं कैसा मैं सारा कुछ असद ही है। ऐसी बात है, असद का नेम बदल किसी किस्म के कोई पैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि अगर आप तक रब्ता नहीं किया जा रहा है तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत जो है वो ये बात जाने कि तमाम जो शहीद हैं उन तक रब्ता नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आप भी रब्ता करें, हम भी रब्ता करेंगे आपके लिए, और कम से कम 5 लाख रुपये आपको मिलने चाहिए। बहुत मेहनत कर करके बच्चे मेरे, बच्चे 3 महीने का मेरा असर से जो इन्हों अबू इन्हों का फौत हो गया, ठीक है, तो उदों तो ला के अज दिन तक मैं भाई सिलाई करनी, वो कम करने वास्ते जाता मैं फिर भी सिलाई करनी कि साड़ा गुजारा नहीं चलता जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कुछ फैमिलीज से आपकी मुलाकात कराई, शहीदों की फैमिलीज से, अचानक सानिया घर वालों के लिए हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान है, इस नुकसान की कोई तलाफी नहीं हो सकती। इस वक्त पूरा पाकिस्तान लहू लहान है, अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह महफूज नहीं है। अगर हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी है, अगर तमाम सियासतदानों ने जमहूरियत को बचाना है, तो सब ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करनी होगी। तमाम मसलकों और तमाम फिकों को आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा कि हमें इस पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि आखिर कैसे ये दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। अपने होस्ट रिजवान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात।